राजधानी पटना समेत प्रदेश में बीते 19 दिनों से मॉनसून की कमजोर होने के कारण भारी वर्षा में कमी देखी गई है। दो महीने बीतने के बाद भी प्रदेश में वर्षा अपनी सामान्य से 37% कम दर्ज हुई। वर्षा में कमी होने के कारण खेती किसानी पर बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान पटना सहित सभी जिलों में गरज तड़क के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण छुटपुट वर्षा के आसार हैं, जबकि प्रदेश के 16 जिलों में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार हैं। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तरी और दक्षिणी भागों के ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम चंपारण के रामनगर में 142.0 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को दिन में तेज धूप के कारण जहाँ लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे, शाम होते ही पटना और आसपास इलाकों में काले बादल छाए रहने के कारण छुटपुट वर्षा और तेज हवा के प्रवाह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राजधानी में 2.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीते 4 वर्षों के दौरान 1 जून से 31 जुलाई के बीच 2 बार प्रदेश में सामान्य से अधिक 1 बार और सामान्य से कम वर्षा 3 बार दर्ज की गई। 2020 में सामान्य से 45% की कमी, 2021 में सामान्य से 19% की कमी और 2023 में सामान्य से 48% की कमी वर्षा में देखी गई, जबकि 2022 में 39% सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 68.8 मिलीमीटर, रोहतास में 43.8 मिलीमीटर, अररिया के रानीगंज में 30 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 28.6 मिलीमीटर, औरंगाबाद के बारुन में 25.5 मिलीमीटर, अररिया में 17.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं रोहतास के इंद्रपुरी में 15.4 मिलीमीटर, सीतामढ़ी के सोनबरसा में 12 मिलीमीटर, रोहतास के नौहट्टा में 10 मिलीमीटर, औरंगाबाद के नवीनगर में 8.2 मिलीमीटर, सुपौल के निर्मली में 8 मिलीमीटर, सिवान के जीरादेई में 7.2 मिलीमीटर, पश्चिम चंपारण के बगहा में 7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अब फिर से बिहार में मॉनसून लौट चुका है और अब वर्षा होने की संभावना काफ़ी अधिक है। पिछले 19 दिनों में राजधानी पटना में बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बाद अब जब बारिश हो रही है तो ऐसे 16 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।